अजय आलोक थोड़ा डरिए, थोड़ा कांपिए। जयराम रमेश ने बता दिया अभी और चालें आनी बाकी हैं। ये जो एक चाल चली है ना राहुल गांधी ने अमेठी से रायबरेली शिफ्ट करके और स्मृति ईरानी के खिलाफ किशोरीलाल शर्मा को उतार के, आपको समझ में नहीं आ रहा है अभी बीजेपी इनका कांग्रेस का गेम क्या है? अभी देखिएगा और चालें आनी है। अजय आलोक, हाँ भाई, गैरी कैस्परोव की आत्मा घुस गई है, आनंद रंगनाथन की तो नहीं घुसती, गैरी कैस्परोव की घुस गई आत्मा। शतरंज की चालें बहुत समय है, 29 तक चाले वाले खोजते रहे, थोड़ा ट्रेडिंग लेते रहे, आराम से शतरंज खेलेंगे। मुझे तो ये पूछना है कि मैं अभी समाजवादी पार्टी किशोर जी को सबको सुन रहा था, सब व्याकुल भारत हो गए, अभी डिरेल्ड हो गए। अरे 5 चरण बचे हुए हैं, इतना होप नहीं छोड़ना चाहिए। किशोर जी क्या हो गया? कल एक वीडियो सर्कुलेट कर रहा था, किशोर जी ने देखा होगा, शरद पवार ने हुर हुर करके रूम से निकाल दिया उद्धव ठाकरे को। दिखाऊं क्या वीडियो? सीएम बनेंगे महाराष्ट्र के, 5 सीट का ठिकाना नहीं, सीएम बनेंगे। और दूसरे महानुभाव को देखिए, समाजवादी पार्टी के मेरे दोस्त, अरे मैनपुरी में और कन्नौज में हाफ रहे हैं, पानी नहीं अंदर जा रहा है, बात कर रहे हैं अमेठी और रायबरेली की। मतलब अजीब हालत है यार, अपना ठिकाना नहीं है, तुम्हारे पैरों की जमीन नीचे जमीन नहीं, और कमाल है कि तुम्हें यकीन नहीं, अद्भुत है, अद्भुत। दूसरी बात ये कह रहे थे कि रेलिवेंस क्या रहेगी? नहीं, नहीं, एक मिनट, एक सेकंड, अजय एक मिनट, आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप बहुत हल्के में ले रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे। जयराम रमेश कह रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा, आप भ्रमित हैं, आप डिसिल्यूजन हो गए, आप बौखला गए। मैं आ रहा हूं, मैं एक एक करके आ रहा हूं। अब देखिए ना, 2 पॉइंट बोले, तीसरे पे आ रहा हूं। अभी रेलिवेंस नहीं रह गई स्मृति ईरानी की, पहले लोग कहते थे राहुल गांधी से लड़ा ना, राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ती थी, वो रेलिवेंस नहीं थी स्मृति ईरानी की। राहुल गांधी को 55,000 वोटों से हराया था, ये रेलिवेंस थी स्मृति ईरानी की, क्योंकि राजा भोज और गंगू तेली का कंपैरिजन नहीं हो सकता है, शहजादे राजा भोज की कैटेगरी के हैं और स्मृति ईरानी गंगू तेली की कैटेगरी की आती हैं, जो मेहनत करके अपना मुकाम हासिल किया 14 से 19 तक, हारने के बावजूद क्षेत्र नहीं छोड़ा, अमेठी को अपने दिल में बसाया, आज तो घर भी है उनका वहाँ पे, और अमेठी की जनता में के दिलों में अपना अपना घर बनाया। और आज इसीलिए राहुल गांधी भाग चले अमेठी से, भैया भागे रायबरेली, बहना करे अटखेली, यही कहानी है। संचालन करेंगी चुनाव का प्रियंका गांधी, क्या संचालन करती हैं मानक गुप्ता, आपने तो देखा होगा 2022 के चुनाव में संचालन कर रही थी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, कितना अच्छा संचालन किया, अर्थी उठाने के लिए कांग्रेस के 4 कंधे नहीं मिले, 2 पे रुक गई, 2% से कम वोट आ गए, ये था संचालन। और उसके बाद तरह तरह के ज्ञान दे रहे मुझे किशोर तिवारी या मुझे समाजवादी पार्टी के लोग। एक बात और पूछना चाहूंगा मानक आपसे, जरा आप अपने कैमरा रिपोर्टर को लगा के रखिएगा रायबरेली में, क्योंकि रायबरेली से महज 50 किलोमीटर दूर राहुल गांधी के दादाजी माननीय फिरोज गांधी की कब्र है, वहां फूल चढ़ा के आशीर्वाद लिया या नहीं लिया? नहीं लिया तो फिर श्राप लगता है, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा, गए कि नहीं वहां? दूसरी बात ये कह रहे थे रेलिवेंस नहीं रहेगी, और अपने ही कैंडिडेट को केएल शर्मा जी को मैं कहूंगा कि वो समर्पित कार्यकर्ता है, उनकी वैल्यू घटा रहे हैं, कहते हैं केयर टेकर से लड़ रही है स्मृति गांधी, शर्म नहीं आती है? अपने समर्पित कार्यकर्ता को जो इस तरह से बेइज्जत करे, उस पार्टी का क्या भविष्य हो सकता है? पूजा जी आज प्रवक्ता यहां पे बैठी हुई हैं, कल को पूजा जी के बारे में इसी तरह कह दिया जाए, क्या रेलिवेंस रह गई? अरे समर्पित कार्यकर्ता की इज्जत होती है, 30 साल उसने अपने पार्टी में आपको दिए, कांग्रेस पार्टी को, अमेठी रायबरेली को देखता था वो, और उसको कह रहे हैं कि केयर टेकर से लड़ रही है स्मृति ईरानी, अपने कार्यकर्ता को ये दुर्दशा, वो भी राजनीति चुनाव के बीच में, बड़ा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ गया। अरे हमारी रेलिवेंस सही, हमारी रेलिवेंस कम करने के चक्कर में अपनी रेलिवेंस खो दिए, यही है नैरेटिव का फर्क। हम आपकी लाइन छोटी नहीं कर रहे, हम अपनी लाइन लंबी कर रहे हैं, आप अपने आप छोटे होते चले जा रहे हैं, हमसे क्या कंपैरिजन आप कीजिए भाई? स्मृति ईरानी अपने दम पे लड़ रही है, अपने दम पे जीतेगी, और जहां तक रही रायबरेली, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का वोट, एक बार लास्ट 5 सेकंड, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जरा वोट अलग कर लीजिए, जो अभी मुझे गिना रहे थे 2022 का हिसाब किताब, 2019 में साथ मिलकर लड़े थे ना सपा बसपा, दोनों का वोट जरा अलग कर लीजिए, देखिए कि बीजेपी कितना बढ़ती है, 19% से 38% पे हम गए हैं, और 38 से 56 जाने में हमें समय नहीं लगेगा, और कांग्रेस और समाजवादी को 55 से घिटा गिरा के 40 पे लाना है, बहुत आसान टारगेट है जो हम करेंगे, आप अपना छाती पीटते रहिए उसे हम नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर कहूंगा कार्यकर्ताओं की बेइज्जती।